बेस्ट ब्रेन बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीट एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में चलाई जा रही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज में आज का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यह चैप्टर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें के जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको सेलेक्ट करके आपके सामने आंसर के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक एक करके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके आंसर्स भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर एक, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नीचे पांच स्टेटमेंट दिए हुए हैं ऑप्शन में, उसमें से जो इनकरेक्ट है उसके बारे में बताना है। पहला लिखा है ह्यूमन्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड वीवीपैरस। यह बात सही है। वीवीपैरस उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बर्थ चाइल्ड बर्थ करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज कॉल्ड इजेकुलेशन। इस ट्रांसफर को इजेकुलेशन नहीं कहते, इट इज रॉन्ग। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल। यस देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ऑप्शन डी, द स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 15 ईयर्स। यह सेंटेंस भी करेक्ट नहीं है। इस तरह से द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। यस इट इज करेक्ट। इस तरह से रॉन्ग ऑप्शंस हुए बी एंड यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें जो ऑप्शन बी दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। इजेकुलेशन की जगह पे होना चाहिए था इंसेमिनेशन। ऑप्शन डी में जो चीज गलत है वो यह है कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन। Yes, it is correct, but the formation of ovum ceases in women around the age of 50 years. Around the age of 50 years. Question number of second लेते हैं। Question number second है, the male reproductive system includes, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा उसमें से कौन कौन सा सही है। पहला है primary sex organ, yes. एसेसरी डक्ट, यस। एसेसरी ग्लैंड, अगेन करेक्ट। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, अगेन करेक्ट। यानी चारों ऑप्शन ए बी सी डी आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोक्यूल्स इन टेस्टिस आर 500। द राइट ऑप्शन इज बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। एक डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। फिगर में ए बी सी डी ई पॉइंट्स बनाए हुए हैं और उनके बारे में बताना है कि सही कौन है। इसके बारे में बताते हैं, पॉइंट वन इज वास डिफरेंस, पॉइंट बी इज ई पी डिड डाई मिस। पॉइंट सी इज टेस्टिकुलर लोब्यूल, पॉइंट डी इज रेट टेस्टिस, पॉइंट ई इज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, पॉइंट सी इज वॉस डिफरेंस। इस तरह से राइट ऑप्शन डी हुआ, डी रेट टेस्टिस, ई टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, बी इप्टिड डाइमिस, सी वास डिफरेंस एंड ए सॉरी सी
वॉस इफरेंसिया और ए वॉस डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ए बी सी डी चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और उसमें से ए बी सी डी किसको इंडिकेट करते हैं उनके बारे में बताना है। हम डायग्राम देख के बताते हैं। ए वन ए इज इन फंडिबुलम, बी इज एम्पुला, सॉरी सी इज इनफंडिबुलम, सी इनफंडिबुलम है और ए जो है वह इस्थमस है, ये इस्थमस है, डी इज फिम्ब्री। इस तरह से सही ऑप्शन ऑप्शन ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन यूटेरस, ऑन किडनी, ऑन टेस्टिस। आंसर है अराउंड यूरेथ्रा, टेस्टिस। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वुड हैपन इफ वास डिफरेंसिया ऑफ मैन आर कट, सीमेन इज विदाउट स्पर्म। वास डिफरेंसिया को ह्यूमन मैन में काट देने पर सीमेन में स्पर्म नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। इसमें एक तरफ कॉलम ए में लेंथ या विड्थ के बारे में, ऑर्गन के बारे में लिखा है और उनका कितना अप्रॉक्सीमेट लेंथ या विड्थ होगा कॉलम सेकेंड में लिखा है, इसको मैच कराना है। लेंथ ऑफ टेस्टिस इज 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ टेस्टिस इज 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ओवरी 2 to 4 सेंटीमीटर और लास्ट लेंथ ऑफ ओविडक्ट 10 to 12 सेंटीमीटर। यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। पहला ऑप्शन लिखा है मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, ये तो करेक्ट है। करेक्ट है, ऑप्शन बी लिखा है मेंस्ट्रुअल फेज, ल्यूटियल फेज नहीं, ल्यूटियल फेज के पहले फॉलिकुलर फेज आता है। इट इज रॉन्ग, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। सी इज मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। हाँ, यहाँ ध्यान देना है आपको, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम प्रोलिफरेटिव फेज है और ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम सेक्रेटरी फेज है। यानी ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट हुए, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, द मेन कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग, इंडोमेट्रियल लाइनिंग के नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन बी, डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम, ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम देयर इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियल लाइनिंग।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग। एक डायग्राम दिया हुआ है जिस डायग्राम में ओवेरियन इवेंट्स और यूटेराइन इवेंट्स दिए हुए हैं, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल के चारों फेज लिखे हुए हैं, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल यानी सेक्रेटरी फेज और नेक्स्ट साइकिल बिगिन होने की डेट है। ये डे वाइज इवेंट लिखे हुए हैं और चार लाइनिंग के द्वारा ओवेरियन इवेंट में दो और यूटेराइन इवेंट में दो, चार लाइनिंग के द्वारा ए बी सी डी लिखकर हार्मोन कौन से एक्टिव होते हैं इस कार्य के लिए उसके बारे में लिखा हुआ है। हम बताते हैं आपको, जो ऑप्शन ए में ए जो लाइनिंग है वह एल एच की है, ल्यूटियल हार्मोन की है। जो बी है वह एफ एस एच है, फॉलिकुलर सेक्रेटिंग हार्मोन है। जो सी है वो एस्ट्रोजन है, जो डी है वो प्रोजेस्टेरोन है। इस तरह से राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अटैचमेंट ऑफ फोइटस टू प्लेसेंटा अकर थ्रू। आंसर है अम्बेलिकल कार्ड। प्लेसेंटा से फोइटस का अटैचमेंट जिस कार्ड से होता है उसका नाम अम्बेलिकल कार्ड है। मीजोडर्म इज फॉर्म थ्रू इनवेजिनेशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव स्ट्रीक के इनवेजिनेशन से मीजोडर्म का निर्माण होता है। 15। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस इन वूमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ह्यूमन, कोरियोनिक, गोनाडोट्रोपिन, रिलैक्सिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज। ह्यूमन की एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? पहला स्टेप होता है ब्लास्टोसेल, उसके बाद गैस्ट्रोसेल, उसके बाद न्यूट्रल क्रेस्ट, उसके बाद नोटोकार्ड। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इनकरेक्ट। 6-7 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन इनकरेक्ट है इसके बारे में बताना है। एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स, इट इज इनकरेक्ट। स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, इट इज करेक्ट। लेडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवरी, इट इज इनकरेक्ट। लेडिंग सेल सिंथेसिस एंड्रोजेंस, इट इज करेक्ट। ओजेनेसिस टेक्स प्लेस इन कार्पस ल्यूटियम, इट इज इनकरेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वेजिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ऑप्शन ए, सी और डी, ई इनकरेक्ट हुए, जबकि बी, डी और जी करेक्ट हुए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। आंसर है मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड के सिक्रीशंस फ्रक्टोज, कैल्शियम और सब कुछ एंजाइम में रिच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन. प्रोसेस का नाम लैक्टेशन है, यानी राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20. मैच द फॉलोइंग. एक तरफ कॉलम में स्टेप्स लिखे हुए हैं, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको मैच कराना है और मैं उस मैच को कराने जा रहा हूँ. आप ध्यान से देखें. कॉलम ए में पहला पॉइंट लिखा है हाइलुरोनिडेज. हाइलुरोनिडेज का सीधा संबंध एक्रोसोमल रिएक्शन से है. सेकेंड नंबर पर लिखा है कार्पस ल्यूटियम. कार्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. तीसरे नंबर पर लिखा है गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन इज मार्फोजेनेटिक मूवमेंट. चौथे नंबर पर लिखा है कैपेसिटेशन. कैपेसिटेशन इज स्पर्म एक्टिवेशन. लास्ट लिखा है कोलोस्ट्रम. कोलोस्ट्रम का संबंध मेमोरी ग्लैंड से है. जब फर्स्ट लैक्टेशन होता है फर्स्ट टाइम, तो उस समय जो पीला काढ़ा दूध निकलता है उसी को कोलोस्ट्रम कहते हैं. इस तरह से राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 21. द सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड ओवम. पहला ऑप्शन करेक्ट है. अंटिल न्यूक्लियाई ऑफ स्पर्म एंड ओवम फ्यूज. सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन ऑफ मैमेलियन ओवम अकर्स अंटिल आफ्टर स्पर्म हैज पेनिट्रेटेड ओवम. ये तो सही था. बी गलत है. सी ऑप्शन है इन ग्रेफियन फॉलिकल सून आफ्टर द फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन. नो, शॉर्टली आफ्टर ओवुलेशन बिल्कुल नहीं. इस तरह से राइट ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 22. वास इफरेंसिया लीड टू रेट टेस्टिस टू वॉस डिफरेंस. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 23. विच इज करेक्ट अबाउट ह्यूमन स्पर्म. स्पर्म लाइसेंस इन एक्रोसोम डिजॉल्व एग एनवलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन. इट इज करेक्ट. द ए ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 23. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. यह भी एक कॉलम है, उसको मैच कराना है. हार्मोन्स के नाम्स लिखे हुए हैं, उनके फंक्शन दूसरी तरफ लिखे हुए हैं. पहला हार्मोन लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर पेन. ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक्टेशन आफ्टर चाइल्ड बर्थ. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग ओवुलेशन. और लास्ट प्रोजेस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट करना प्लेसेंटा पे और एम्ब्रियोनिक ग्रोथ को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी प्रोजेस्टेरोन की है. इस तरह से एक ऑप्शन एस, बी का ऑप्शन आर, सी का ऑप्शन पी और डी का ऑप्शन क्यू हुआ.
ऑप्शन आर एस आर पी क्यू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, फोइटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पिट्यूटरी, नो, प्रेशर एग्जर्टेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड, नो, डिफरेंशिएशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, नो, फुली डेवलप फोइटस एंड प्लेसेंटा, इट इज ड्यू टू फुली डेवलप फोइटस और प्लेसेंटा के कारण इजेक्शन रिफ्लेक्स ह्यूमन में होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन इज रिच इन, सेमिनल प्लाज्मा ऑफ ह्यूमन इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम आयंस एंड सर्टेन एंजाइम्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन व्हेन मेनी स्पर्म्स रीच क्लोज टू ओवम, जब एक से अधिक स्पर्म बहुत ही नज़दीक एक के या ओवम के आ जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन में कैसे क्या होता है? आंसर है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल स्पर्म्स एक्सेप्ट वन, कोरोना रेडिएटा सारे स्पर्म को ट्रैप कर लेती है एक को छोड़कर, और इट इज राइट आंसर। इस तरह से 27 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन और आंसर किया गया। आशा है आपको बहुत सहयोग मिलेगा एग्जाम में। थैंक यू सो मच।